राजस्थान के सिंह द्वार के नाम से विख्यात अलवर जिले के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में आप सब लोगों को हम लिए चलते हैं। यहाँ आप लोगों को हम राष्ट्रीय जो हमारा उद्यान है जो सरिस्का, उस अभयारण्य के बारे में आप लोगों को हम आज इस गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांवों की ओर प्रकृति की ओर में आज हम आप लोगों को सरिस्का बाघ्य अभयारण्य जो कि भारत में प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यानों में से इसी उद्यान के बारे में हम आप लोगों को जानकारी आज साझा करेंगे। अभयारण्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र का शिकार पूर्व अलवर राज्य की शोभा थी और यह 1955 में इसे वन्य जीव आरक्षित भूमि घोषित किया गया था। 1978 में बाघ परियोजना रिजर्व का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय जो हमारा सरिस्का अभयारण्य है उसका वर्तमान क्षेत्रफल 866 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यह जो अभयारण्य है वह जयपुर से 107 किलोमीटर और दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सरिस्का बाघ्य अभयारण्य में बाघ, चीता, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, धारीदार बिच्छू, सियार, स्वर्ण, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, चार सींग, शामिल मृग, जंगली सूअर, खरगोश, लंगूर और पक्षी प्रजातियों की कई प्रजातियां यहाँ पर उपस्थित हैं। सरीसृप के बहुत सारे वन्य जीव मिलते हैं। यहाँ से बाघों की आबादी 2005 में गायब हो गई, लेकिन बाघ पुनर्वास कार्यक्रम 2008 में शुरू करने के बाद अब यहाँ बाघों की संख्या काफी अच्छी है। तो चलिए हम आपको इस राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कराते हैं। आओ हम सरिस्का को जानें। इसी कार्यक्रम के तहत आपको हम आज इस सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की सैर करा रहे हैं। प्रकृति की गोद में आने के बाद हमें लगता है कि इस प्रकृति ने कितने अजीब वन्य जीवों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। इस राष्ट्रीय अभयारण्य में आने के बाद हमारी आंखें इस प्रकार के इस प्रकृति के श्रृंगार को, प्रकृति के नजारों को देखकर मन को एक अजीब से सुकून का एहसास से यहाँ पर होता है। आप इस सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में यहाँ के जीवों को देखकर आप देखेंगे कि प्रकृति का ये जो स्वरूप है, किस प्रकार प्रकृति ने इन वन्य जीवों को भरण पोषण के लिए इस प्रकार की संरचना बनाई हुई है। मादा बाघ अपने बच्चों को किस प्रकार यहाँ दूध पिला रही है। आप जब सरिस्का की सैर करने के लिए आगे मुख्य जंगल की ओर आप जाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ जंगल सफारी या फिर कैंटर के माध्यम से आप लोगों को यहाँ सरिस्का की टीम के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। हमने यहाँ इस जंगल में अंदर चलकर इन सभी वन्य जीवों को अपनी इस गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले, इस डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों को हम आज गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांवों की ओर प्रकृति की ओर में आपको हम सरिस्का के इन मनमोहक नजारों को आज यहाँ आपको फिल्मांकन कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे अलवर के जो फेफड़ों के नाम से जो विख्यात जो हमारा सरिस्का वन्य जीव जो अभयारण्य है, यहाँ पर कई हजारों प्रकार की प्रजातियों के वन्य जीव, पशु, पक्षी और वनस्पति यहाँ पर विद्यमान है। हमने यहाँ इस जोहड़ में इन जीवों को इस प्रकार देखा। साथ में ये जो आप देख रहे हैं कि बाघ किस प्रकार अपने बच्चों के संरक्षण के साथ साथ उनके पोषण के लिए यहाँ बच्चे अपनी माँ का दूध यहाँ पी रहे हैं, इस प्रकार के नज़ारे इस सरिस्का के वन्य जीव अभयारण्य में आपको बहुत से देखने को मिलेंगे। जब भी आपको समय मिले तो आप इस सरिस्का के वन्य जीव अभयारण्य में इस प्रकार कैंटर के माध्यम से या सफारी के माध्यम से इन मनमोहक नज़ारों का नज़ारा देखने के लिए जरूर आप यहाँ पर आएं। हमारा जो सरिस्का है, हमारे अलवर की पहचान, हमारे अलवर के जो फेफड़ों के नाम से जिसे हम जानते हैं, आप लोग जब भी आपको समय लगे अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस प्रकृति के श्रृंगार को, इस प्रकृति के
नजारों को, यहाँ के वन्य जीवों को देखने के लिए आप जरूर आएं। आज हमें इनके संरक्षण के साथ साथ इस अभ्यारण्य को हम आगे एक बहुत श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार लोग जब इस अभ्यारण्य का भ्रमण करने के लिए आएंगे, यहाँ हमारे अलवर जिले की पहचान, जो ये हमारा बाघ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको देखेंगे तो ये देखते ही नज़ारे हमें एक तरीके से हमारी पहचान आगे बनाएंगे। यहाँ जो जंगल का जो राजा, जिसे हम कह सकते हैं, ये जो टाइगर जिस प्रकार से इस जंगल में भ्रमण कर रहा है, आप देख रहे हैं कि ये अपनी शिकार के लिए तलाश करते हुए आगे, ये टाइगर, ये बाघ हमारे सरिस्का की पहचान है। आप जब भी सरिस्का देखने के लिए आए और आपको अगर इस टाइगर के दीदार होते हैं, अगर आपको टाइगर दिखाई देता है, तो आपका जो सफर है, आपका जो वो भ्रमण है, वो रोमांचक और एक यादगार बन जाता है। आप देख सकते हैं कि इस अभ्यारण्य में किस प्रकार ये टाइगर विचरण करते हैं। ये अपने भोजन के साथ साथ पानी की तलाश में भी, जहां इनका क्षेत्र होता है, जहां इनके पानी पीने के लिए जो जल स्रोत होते हैं, वहां तक ये पहुंचकर अपने पीने के पानी के साथ साथ कई बार आप देखेंगे कि ये पानी में हिटखेलियां भी करते रहते हैं। ये किस प्रकार ये जो टाइगर है अपने आप को इस पानी में अंदर तक लेके गया है। जब इस टाइगर की दहाड़ जब सुनाई देती है, तो जंगल के आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र में जो पक्षी होते हैं या अन्य जो वन्य जीव होते हैं, वो सतर्क हो जाते हैं और ये किस प्रकार एक दबंग चाल के साथ धीरे धीरे अपने पदचापों से ये टाइगर इस जल स्रोत में अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। आप देख रहे हैं कि ये अपने हल्क की, अपने गले की प्यास की पूर्ति के लिए ये इस जल स्रोत पर, ये बाघ आपने देखा। साथ में हमने इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा। आपने यहाँ आकर महसूस किया, जब आप कैंटर के माध्यम से या सफारी के माध्यम से इस जंगल के नजारों को देखेंगे, तो यहाँ सरिस्का के बीच में एक चौकी के पास आपको इस प्रकार टाइगर के जो पैर के निशान हैं, या इस प्रकार जो यहाँ वन्य जीव हैं, उनके जो सींग वगैरह भी आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये प्रकृति, ये सरिस्का का जो जंगल है, उसमें विभिन्न प्रकार के इस तरह के आपको वनस्पति, वन्य जीव, पक्षी, ये सब चीजें देखने को मिलेंगे। अंत में हमारी टीम इस पूरे सरिस्का का भ्रमण करने के बाद अपने स्वयं के वाहन से यहाँ इस सरिस्का के पास में थानागाजी से 8 किलोमीटर दूर यहाँ जो उदयनाथ धाम है, यहाँ तक पहुँची है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको समय लगे, तो आप इस सरिस्का का भ्रमण जरूर करें, सरिस्का को जानें, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर आप सरिस्का को देखने के लिए आएं। हमारे अलवर की जो पहचान है, ये सरिस्का, जिसे हम अलवर के फेफड़ों के नाम से भी जानते हैं, यहाँ आकर आपको लगेगा कि इस प्रकृति के बिल्कुल बीचों बीच इस धार्मिक स्थल पर आप आकर अपने आप को किस प्रकार एक शांत चित्त माहौल में, अपने आप को एक दैवीय स्थान पर पाकर कितना श्रेष्ठ महसूस करते हैं। तो अगले रविवार फिर मिलेंगे हम आपको इसी प्रकार की एक नई रोचक और एक अच्छी प्रकृति की एक गोद में, आप लोगों को अपने साथ ले जाकर, जैसा कि आज आपने देखा कि हम सरिस्का को किस प्रकार करीब से इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का हमने प्रयास किया है। आओ लौट चले गांवों की ओर, प्रकृति की ओर, गांववाणी स्टूडियो के इस रविवार विशेष कार्यक्रम में इसी प्रकार नई नई जानकारियां और प्रकृति के इस मनमोहक नजारों के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले रविवार। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों को हम आग्रह करेंगे कि इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं हम अगले रविवार इसी प्रकार एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। की ओर जंगल में बढ़ रहा है, जब इस